अब सुनिए कटपीस। हाँ सुनाओ। टाइम कहाँ खत्म होता है यार। के पिता कहा जब मकर ध्वज ने तो हनुमत मन में डोले डोले और निज सुत से पातालपुरी में बजरंगी यूं बोले। और एक गीत बजा है। क्या बजा रहे हैं बताओ भैया। के सुनो ससुर जी। हाय हाय ससुर जी। ससुर जी सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो। अरे मान लो मेरी बात। दुल्हन तो जाएगी इस दूल्हे राजा के साथ। दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। सुनेगा हनुमान कहने। हनुमान से जब मकर ध्वज ने कहा पिता श्री, तो हनुमान सोचने लगे। वो कहने लगे कि अरे ये तो मेरा बेटा है। बेटा है तो हनुमान कहने लगे। क्या कहने लगे। कि सुनो लाडले चलाना। अरे हुआ ये कैसे पाप। अनजाने में बन बैठा जान कब तेरा बाप। अनजाने में बन बैठा जान कब तेरा बाप। अनजाने में बन बैठा जान कब तेरा बाप। सुनेगा अपने अपने क्वारेपन पे मुझको अभिमान था। ब्रह्मचर्य पालन का मुझको गुमान था। मुझको गुमान था। मुझको गुमान था। जाने कब तेरी माने खंडित मुझको किया। मेरी नजरों में खुद ही दंडित मुझको किया। दंडित मुझको किया। दंडित मुझको किया। के भूल भयंकर 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 भूल भयंकर भई हमारी। अब ये गया कलेजा का। जाने कब बन बैठा मैं अनजाने में तेरा बाप। जाने कब बन बैठा जाने में तेरा बाप। भैया अभी 5 मिनट मेरे शेष हैं, लेकिन चंदन भैया जी आ रहे हैं सुंदर सी हाजिरी को लेकर के। चंदन भैया जी आइए और कोशिश करेंगे हम दोनों भाई कि कम टाइम में ज्यादा काम दिखा सकें। एक बार प्रेम से करिए बोली सच्चे दरबार की जय। और एक गीत और गाया था दुल्हन तो इन्हीं के साथ जाएगी। बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। 4-5 बच्चे हो गए। अरे सुनो ससुर जी। क्या बात है। ससुर जी ससुर जी ससुर जी सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो मान लो मेरी बात। दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा। दुल्हन तो जाएगी तो जाएंगे राजा के साथ। अब देखें हनुमान जी ने जब ये बात कही तो देखें मकर ध्वज ने क्या कहा। आदनी दादा पीछे वाले झींगा बजाए वाले तुम सुनो। तुम बहुत चीखते हो। हाँ साउंड साउंड वाले ने पैसा खा रखा है। पूछो हमने भैया कोई पैसा दिया आपको। ये कमीशन वाले नहीं है। जिसकी नजर खराब होती है उसका नजरिया हमेशा खराब। इसका मतलब तुम कमीशन देते रहे हो साउंड वालों को। देखिए बेचारे जितनी कोशिश है हर व्यक्ति करता है।
उनकी कोशिश है उतना बजा रहे हैं। ये थोड़ी चंदन भैया ने पैसा दे दिया, हम कितनी दूर गए तुम कितने पास गए हो, शर्म करो। कम से कम देखो हम लोग 250 किलोमीटर दूर से आए हैं, अब ज्यादा बैठेगा। माने ही मुझको सारा किस्सा बताया था, पसीने की बूंद को माँ ताने गाया था, पसीने की बूंद को ताने गाया था, पसीने की बूंद को ताने गाया था। मकर ध्वज कहने लगा कि जब आप लंका में आग लगा के जा रहे थे तो आपके शरीर से पसीना निकला, जिस पसीने को मेरी माता ने ग्रहण कर लिया और उस पसीने के प्रताप से मैं पैदा हुआ। तो मेरी माँ ने मुझे बताया है, बजरंगी बाप तेरे माँ ने बताया था, उसी बात को मैंने तुमको जताया था। इस कारण से हो गए आप हो मेरे बाप, इस कारण से हो गए आप हो मेरे बाप, इस कारण से हो गए आप हो मेरे बाप। कारण ने ना 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 ना, इस कारण से हो गए बजरंग आप मेरे बाप।